सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हम PFMS पोर्टल पर काम कर रहे हैं तो वेंडर को ऐड करते समय बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने में दिक्कत आ रही है, उसका क्या समाधान है, वेंडर की मैपिंग किस तरीके से करनी है और वेंडर के अकाउंट में पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ ये कैसे पता करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें और अपने PFMS के काम को समय से पूरा कर सकें। वेंडर ऐड करने के लिए आपको डाटा ऑपरेटर से लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आप मास्टर्स में चले जाएंगे, वहाँ से वेंडर्स में, और वेंडर्स में जाने के बाद आपको ऐड न्यू ऑप्शन पर चले जाना है। तो देखिए, इस तरीके से ऐड वेंडर फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप वेंडर की डिटेल भर देंगे, जिसमें नेम और एड्रेस वगैरह मैंडेटरी है। जब आप बैंक नेम टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखिए, कोई भी बैंक आप टाइप करेंगे तो उसके आगे आपको वाई लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, वाई हटा देना है। तो देखिए, ये एरर मैसेज यहाँ से हट जाएगा। आप वाई हटा देंगे, एरर मैसेज हट जाएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, ब्रांच एड्रेस टाइप करना है और सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने हाथरस टाइप किया, सर्च पे क्लिक करूँगा। तब यहाँ से आपको अपनी ब्रांच नेम सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से देखिए, लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे और अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपके वेंडर का बैंक अकाउंट डिटेल सेव हो जाएंगी। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर हमें वेंडर को मैनेज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आप ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद सेव ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए, वेंडर की मैपिंग करने के लिए आपको मास्टर्स में जाना है, वेंडर्स में जाना है और मैनेज ऑप्शन में चले जाना है। अब ये देखिए, सर्च क्राइटेरिया में आपको वेंडर रजिस्टर्ड बाई मी में, तो जो वेंडर आपने रजिस्टर किए हैं वो आपको दिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी। देखिए, वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेंडर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। देखिए, वेंडर आपको यहाँ पर दिखेंगे, तो आपको वेंडर को उसके नाम से सर्च नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नाम से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वेंडर्स देखने को मिलेंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि आप वेंडर को उसके दिए हुए अकाउंट नंबर से सर्च करें। यहाँ पर देखिए, अकाउंट नंबर में आप टाइप कर देंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वेंडर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये एक ही अकाउंट नंबर से तीन वेंडर आ रहे हैं, जिसमें दो पर्सनल में आ रहे हैं और एक कमर्शियल में आ रहे हैं। तो देखिए, जब आप वेंडर को एक से ज़्यादा बार ऐड कर देते हैं तो वो उतनी ही बार शो करता है। तो आप सही वेंडर को देखकर मैप वेंडर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और सही की पहचान आप उसके अकाउंट नंबर से कर सकते हैं और एड्रेस से कर सकते हैं। तो जो वेंडर आपने मैप किया है उसे आप वेंडर मैप्ड विद मी बट रजिस्टर्ड बाई अदर्स, तो उसमें आप देख लेंगे, सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो जो वेंडर आपने मैप किए हैं वो वेंडर आपको दिख जाएंगे। तो देखिए, वेंडर को ऐड करने की बजाय आप मैप करिए, तो मैप में आपको अकाउंट नंबर से सर्च करना है। अब देखिए, जो पीपी हमने बैंक में जमा किया है उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको एक्सपेंडिचर में जाना है। वहाँ से मैनेज में जाने के बाद आप यहाँ पर जितने भी आपने एक्सपेंडिचर क्रिएट किए हैं वो देखेंगे। तो अभी हमें इस एक्सपेंडिचर का स्टेटस देखना है, तो इसका देखिए एडवाइस नंबर हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आप ई पेमेंट में जाएंगे, EP04 ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे, सर्च बेस्ड ऑन स्कीम एंड एडवाइस नंबर। तो हम एडवाइस नंबर पर क्लिक कर देंगे, तो जो एडवाइस नंबर हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और देखिए, ट्रांजेक्शन टाइप में एजेंसी टू वेंडर, हम वेंडर के पेमेंट का स्टेटस देख रहे हैं तो एजेंसी टू वेंडर। अब यहाँ पर देखिए, स्कीम में आपको समग्र टाइप करना है। देखिए, समग्र में SAMGRA टाइप करें तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, नीचे व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कभी कभी ये 2 से 3 मिनट भी ले लेता है। अब यहाँ पर देखिए, जब आप व्यू रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। देखिए, ये डेबिट एजेंसी का नेम है, यानी कि हमारे स्कूल का नाम, उसके बाद स्कीम नेम आ रहा है, स्टेट नेम,
और देखे डेट ऑफ एडवाइस जनरेशन, तो 13 जनवरी को हमने ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस जनरेट किया है। उसके बाद देखिए डेबिट एडवाइस स्टेटस, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिख जाएगी। आपको इस तरीके से इसको स्क्रॉल करना है। तो ये जो पीपीए बनाया हमने 19,500 रुपये का बनाया है। यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट 1 दिख रहा है, तो ये एक लिंक है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। देखिए डेबिट बैंक ट्रांजेक्शन आई डी, डेबिट बैच नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी, जिनको आप देख लेंगे और यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये आपको एक नंबर जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पर भी आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। तो आप इसे एक नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरी डिटेल ओपन हो जाएंगी, जिस भी वेंडर को आपने पेमेंट किया है उनकी बैंक कौन सी है। यहाँ पर देखिए बैंक रिक्वेस्ट स्टेटस, तो यहाँ पर सक्सेस एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो आप यहाँ से इस तरीके से जो पीपीए आपने बैंक में जमा किया है उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए हमने एक नंबर पर क्लिक किया है, लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप यहाँ से पूरा स्टेटस देख पाएंगे। देखिए 19,500 रुपये, तो यहाँ से पूरी डिटेल आपको दिख जाएंगी कि डेबिट बैंक कौन सी है, क्रेडिट बैंक कौन सी है। तो आप यहाँ से जो आपने पीपीए बैंक में दिया है, देखिए डेबिट सक्सेस, क्रेडिट सक्सेस, तो ये पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया है। साथियों आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम हर संभव प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। साथियों आपका